A particle performing SHM is found at its equilibrium position at t equal to 1 second, and it is found at having a speed of 0.25 meter per second at t equal to 2 seconds. ये at miss हो गया कहीं, देखते हैं क्या है. तो ये actually लिखा है is found to have a speed of 0.25 seconds at t equal to 2 seconds. If the period of oscillation is 6 seconds, calculate amplitude of oscillation and initial phase velocity of particle at 6 seconds. तो हमको क्या दिया गया है, particle performing SHM found at its equilibrium position at t equal to 1 second. Equilibrium position क्या होती है, mean position होती है. तो equilibrium position पे तो वो 1 second पर है और उसकी 0.25 speed है 2 seconds पर. तो आप velocity formula जानते ही क्या होता है, omega a cos omega t plus alpha. हमको इस वक्त ये इन्फॉर्मेशन है मेरे पास कि स्पीड कितनी है और वो समय कितना है, ये तो मेरे पास है. और इफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है 6 सेकंड्स, लो भाई टाइम पीरियड भी दे दिया हमने, तो उससे हमें ओमेगा भी आ गया 2π/T, दैट इज 2π/6 विच इज π/3 रेडियन पर सेकेंड. तो वो भी मिल गया, ओमेगा मिल गया, एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं, वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है. और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और का डेटा दे रखा है हमको, ठीक है. तो एक डेटा हमें ये दे रखा है 1 सेकंड पर मीन पोजीशन पर. इससे क्या इनकर कर सकते हैं कि मीन पोजीशन पे एक चीज़ होती है कि पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है. लिखेंगे हम पहले ऐसा करते हैं, डेटा सारा रख लेते हैं जो पता है हमको. तो 0.25 ये लिखा, ओमेगा हमें मिल गया π/3, ए हमको निकालना है, कॉस ओमेगा देता है π/3 कितने टाइम पर, 2 पर, और एल्फा हमको नहीं पता है, जो नहीं पता वो नहीं लिखा, ए तो निकालना ही. अब दूसरा डेटा हमें काम करेगा, ये 2π/3 अल्फा है. दूसरा डेटा क्या काम करेगा कि जो मीन पोजीशन है उस पर टाइम टी से टी इक्वल टू 1 सेकंड पर है. एट मीन पोजीशन हम कह सकते हैं कि ओमेगा ए कॉस ओमेगा इंटू 1 प्लस अल्फा, ये हमने वेलोसिटी एक्सप्रेशन रखा है. जब हम 1 सेकंड ठूंसते हैं उसमें तो हमें मैक्सिमम वेलोसिटी मिलती है ओमेगा ए के बराबर, ये कैंसिल हो जाता है. फिर ऐसे में ओमेगा प्लस अल्फा बन जाता है कितना, 1 किस पर आता है, 0 पे आता है, कॉस 0 पे 1 आता है. सो अल्फा बिकम्स माइनस का π/3, ये आपका इनिशियल फेज आ गया माइनस का π/3. और जैसे इनिशियल फेज आ गया तो अब अननोन केवल एक बचा ए, उससे हमारा आंसर भी आ गया, दैट इज 0.25 × 3/π इज ए कॉस 2π/3 माइनस π/3. सो वी हैव 0.75π इंटू, दिस इज गोइंग टू बी कॉस π/3 विच इज कॉस 61/2. तो ये 1/2 नीचे जाएगा तो ऊपर 2 पहुंच जाएगा, तो हमारा एम्पलीट्यूड आ जाएगा 1.5 upon π. सो वी कैन ऑल्सो राइट 3/2π meter. अब पूछ रहे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट 6 सेकेंड, रख सकते हैं, सब कुछ पता चल चुका है. फेज रेस 0.25 और कितना आएगा, 0.25 इज इक्वल्स टू, मतलब हमें तो वेलोसिटी लिखनी है ना, यहाँ लिख लीजिए इसको, ओमेगा ए मैक्सिमम दैट इज ओमेगा इज π/3, ए इज 3/2π और कॉस ओमेगा इज π/3 इंटू टाइम 6 सेकंड है, माइनस अल्फा कितना था π/3. सो वी हैव हाउ मच टाइम, कैंसिल पाई से पाई कैंसिल, वी हैव 1/2, ये लो 2π - π/3 इज 2π, यानी कि 3 60 माइनस 60 इज 300. तो कॉस 300 कितना था, 16 × 5 दैट इज 5π/6. ओके, तो ये आपका हो गया 2π माइनस, मैं देख लेता हूँ, 2π - π/3 विल बी 5π/3, सॉरी, ठीक है. तो ये आपका आंसर आ जाएगा, आप निकाल सकते हो, ये आपका फाइनल आंसर होगा.